Hello and welcome to Voice Institute of English. Chennai police tactic to catch burglars in 24 hours. So two words are there. Pehla word hai hamara tap, T-A-P, and the second one is burglar, B-U-R-G-L-A-R. तो TAP टैप टैप के एक्चुअली बहुत सारे मतलब होते हैं, बट यहाँ पर जो टैप को यूज किया गया है, यहाँ पे इनका सेंस है जोड़ने से या लगाने से. आप इंग्लिश में सेलेक्ट भी बोल सकते हो, बट सेलेक्ट का सेंस जो चुनने वाला सेंस है वो यहाँ पे नहीं है. तो टैप का मतलब क्या है? जोड़ना या लगाना, किसी चीज को शामिल करना किसी काम में, यहाँ पे जो सेंस है टैप का. सेकेंड वर्ड है हमारा बर्गलार, B-U-R-G-L-A-R, बर्गलार. तो बर्गलार एक्चुअल में चोर होते हैं, थीफ, बट ये सामान्य जो थीफ वर्ड यूज किया जाता है और जो बर्गलार वर्ड यूज किया जाता है, दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस ये है कि अक्सर बोलते हैं कि वे लोग जो गलत तरीके से आपके घर में जाएं और फिर चोरी करें, और वास्तव में चोर भी यही करता है. तो एनीवे, बर्गलार, बर्गलार का मतलब चोर. चेन्नई पुलिस टैप टेक, तो चेन्नई पुलिस टैप टेक का मतलब है चेन्नई पुलिस ने, अब जो इनकी अभी तक की स्ट्रेटजी थी उसमें इन्होंने टेक को भी यूज कर लिया है, इसको भी अपने साथ जोड़ लिया है. टेक मीन्स टेक्नोलॉजी को, टेक्नीशियंस को. किस लिए किया? टू कैच बर्गलास इन 24 आवर्स, ताकि जो चोर हैं ये 24 घंटे में पकड़े जा सके. ऐसा करने के लिए चेन्नई पुलिस अब टेक्नोलॉजी का भी यूज करेगी, टेक्नीशियंस का भी यूज करेगी. कैनाबिस हाई फॉर मणिपुर स्टार्टअप ड्रीम. तो इसमें दो वर्ड है हमारे, एक तो है कैनाबिस, CANNABIS, और दूसरा है एक्सप्लोर, EXPLORE. CANNABIS, कैनेबिस. कैनेबिस को बोलते हैं हेम्प. हेम्प पता है, हिंदी में बोलते हैं गांजा, जैसे कि जो ड्रग्स वाली चीजें होती हैं, आप इनके लिए कैनेबिस लगा सकते हैं. सेकंड है एक्सप्लोर. अब एक्सप्लोर को हिंदी में पहले समझ लो, एक्सप्लोर का मतलब होता है संभावना तलाश करना. जैसे कि क्या आपको लगता है कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है? साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं इस बात को? साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो एक्सप्लोर करने के लिए वो क्या करेंगे? वो उसका अध्ययन करेंगे, वो स्टडी करेंगे, वो उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे. इन्हीं सारी चीजों को बोलते हैं एक्सप्लोर करना. तो एक्सप्लोर मतलब संभावना तलाश करना. कैनबिस हाई फॉर मणिपुर स्टार्टअप ड्रीम. इसको समझने के लिए पहले हम नीचे वाली लाइंस पढ़ते हैं, फिर आपको ये आसानी से समझ में आएगा. एक्चुअली ये हेडलाइन थोड़ा सा घुमा के लिखी गई है. जैसे नीचे है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग, स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रहा है, संभावना तलाश कर रहा है, किसकी? द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग इट फॉर मेडिसिन. वो देख रहा है कि क्या हम कैनबिस को, गांजे को या ड्रग्स को मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. और फिर इन्होंने ऊपर की लाइन पे हम आते हैं कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इन्होंने यूज कर लिया, तो जो मणिपुर का स्टार्टअप ड्रीम है, स्टार्टअप का जो सपना है, ये उसके लिए बड़ी ऊंची बात होगी, मतलब एक हाई लेवल पे उसको पहुंचा देगी, एक नई ऊंचाई दे देगी. यही है कैनबिस हाई फॉर मणिपुर स्टार्टअप ड्रीम. एजेंसीज लैक्स इन फाइलिंग रिटर्न्स. तो लैक्स, LAX, लैक्स. लैक्स को हिंदी में बोलते हैं ढीला ढाला, कहते हैं ना कि ढीले ढाले हैं, लापरवाह हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है, समय पे काम नहीं करते. इंग्लिश में है नॉट केयरफुल एनफ. तो लैक्स एक नेगेटिव वर्ड है, जिसको कब यूज करते हैं? जब हमें ये दिखाना होता है कि आप लापरवाह हैं, आप जिम्मेदार नहीं है, दैट इज कॉल्ड लैक्स. एजेंसीज लैक्स इन फाइलिंग रिटर्न्स. न्यूज कह रही है कि जो हमारी एजेंसीज हैं, ये रिटर्न्स फाइल करने में लापरवाही दिखाती हैं, ये ढीली हैं, कमजोर हैं. स्विंग टू द सीजन. स्वे, SWAY, स्वे का मतलब होता है टू मूव स्लोली बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होना. जैसे कि अगर आपने देखा हो झूला, तो क्या होता है? धीरे धीरे आगे पीछे होता है. या फिर पेंडुलम की जो घड़ियां होती हैं, तो उनमें जो पेंडुलम होता है वो क्या करेगा? थोड़ा सा आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे. इसको बोलते हैं स्वे. ये नाउन भी है, वर्ब भी है. तो स्विंग टू द सीजन का मतलब सीजन के अनुसार लोग चीजों को थोड़ा बहुत आगे पीछे करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं. तो ये एडिटोरियल सेक्शन है, पहले हम इसके वर्ड्स लिख लेते हैं और फिर मीनिंग समझेंगे. पहला वर्ड है हमारा टेंटेटिव. क्या है टेंटेटिव? TENTATIVE, टेंटेटिव. टेंटेटिव का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय इन द सेंस नॉट डेफिनेट. मान लो आपने कोई प्लान शुरू किया, बट वो प्लान आपने परमानेंट नहीं रखा कि मैं उसको हमेशा कंटिन्यू रखूंगा. आपने कहा ये कुछ समय के लिए है, तो ये क्या है? टेंटेटिव है. सेकंड है लैंडमार्क. लैंडमार्क अक्सर लैंडमार्क्स जजमेंट आ जाते हैं, अक्सर अक्सर लैंडमार्क लेजिस्लेशन आते हैं,
या लैंडमार्क डिसीजंस भी हो सकते हैं। लैंडमार्क का मतलब होता है जो कुछ कुछ ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है लैंडमार्क? इंपॉर्टेंट से भी वेरी इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? नियम, कानून या विधेयक, लेजिस्लेशन। अगला है हमारा ओवरसी, OVERSEE, ओवरसी। तो ओवरसी के एक्चुअली दो मतलब होते हैं। एक तो ओवरसी का मतलब होता है निगरानी करना, किसी को वॉच करना और फिर उसे डायरेक्ट करते रहना कि आप कैसे और इसे सही कर सकते हैं। एक तो ये है ओवरसी। और एक दूसरा ओवरसी होता है जो अगर आप इसे ब्रेक करें तो जो इसका अर्थ निकलेगा, जैसे सी का मतलब हो गया देखना और ओवर का क्या मतलब हुआ? ऊपर। मान लो कि आप हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और आपने नीचे देखा कि क्या क्या हो रहा है, नीचे बाढ़ आई हुई है, भूकंप है, कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने खुश हैं, तो आपने क्या किया उनको? आपने उन्हें ओवरसी किया, आपने ऊपर से देख लिया। ऐसे ये दोनों अर्थों में यूज किया जाता है। अगला है हमारा हैव हैंड्स फुल। तो हैव हैंड्स फुल लगाते हैं जब कभी भी, तो वहां पे हमारा मतलब होता है बहुत व्यस्त होना, टू बी वेरी बिजी। क्या होना? बहुत ज्यादा व्यस्त होना। ये बा नहीं होना चाहिए, वाह होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। तो बहुत ज्यादा व्यस्त होना, टू बी वेरी बिजी। नेक्स्ट ओनरस, ONERUS, ओनरस। ओनरस का मतलब है डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट। ये किसी कार्य के लिए आता है, टास्क के लिए, कोई ऐसा कार्य जिसको करना बहुत मुश्किल हो और जो आपको अच्छा ना लग रहा हो, उसके लिए लगाते हैं ओनरस, कठिन है, मुश्किल है। लेआउट, रूपरेखा तैयार करना या रूपरेखा या डिजाइन। लेआउट, रूपरेखा तैयार करना या रूपरेखा या फिर डिजाइन। लेगसी, लेगसी का मतलब होता है विरासत। विरासत समझ रहे हैं? जो आपको पास्ट से मिलता चला आ रहा है, जो आपके पहले की जनरेशंस ने आपको दिया है, वो आपकी क्या है? आपको लेगसी में मिला हुआ है, वो विरासत में है। सो कमिंग फ्रॉम पास्ट। सब्ज्यूम, सब्ज्यूम का मतलब होता है शामिल करना, जैसे 8-10 अलग अलग आइटम्स को मिलाकर एक में कर दिया गया, तो उसने क्या किया? बाकी 8-10 को सब्ज्यूम कर लिया, इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट वन इज तीद, TEE, तीद। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो एक्चुअली टी थ था नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? दा, तीद। अब आप इसे ध्यान से देखो तो टीथ मतलब क्या होता है? दांत। तो किसी को नुकसान पहुंचाना या दांत से काट लेना, इन सब के लिए क्या लगाते हैं? तीद। ऑप्टिमम या ऑप्टिमल लगभग एक ही वर्ड है, अलग अलग बस यूजेज होते हैं। तो ऑप्टिमल का मतलब होता है अधिकतम, मोस्ट इफेक्टिव। किसी भी चीज का जो आप अधिकतम उपयोग कर सकते हैं वो उसका ऑप्टिमल यूज होता है। और तीसरा है हमारा अबाइडिंग। अबाइडिंग के भी दो तीन अलग अलग अर्थ हैं। अगर हम इसका ING हटा के लास्ट में लगा दें ई, ABIDE, अबाइड, तो अबाइड का मतलब होता है पालन करना। आप नियमों का पालन करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं तो आप उसे अबाइड करते हैं, ABIDE। बट अगर ई हटा के हम ING लगाते हैं और अबाइडिंग बनाते हैं, तो अबाइडिंग का मतलब होता है जो लंबे समय तक चल रहा हो, जो कंटिन्यूअस है, लॉन्ग टाइम से है, जिसको हम एंड्यूरिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कुछ वर्ड्स थे, अब इनका एडिटोरियल सेक्शन देखते हैं। जी हाँ, सीकिंग टू सिक्योर ऑन लिंकिंग आधार GST रजिस्ट्रेशन। तो राइटर की हेडिंग कह रही है सीकिंग टू सिक्योर, मीन्स सिक्योर करने का प्रयास किया जा रहा है। सीक मतलब प्रयास करना भी होता है। किया क्या जा रहा है? आधार और GST रजिस्ट्रेशन के लिंकिंग पर आर्टिकल है, उन्हें जोड़े जाने से जुड़ा है। द मूव टू लिंक आधार विद GST रजिस्ट्रेशन, आधार को GST रजिस्ट्रेशन से जोड़ने का, लिंक करने का जो मूव या कदम है या प्रयास है, इज अ टेंटेटिव स्टेप। ये एक टेंटेटिव स्टेप है, मीन्स परमानेंट रही रहने वाला है। अभी सरकार ने शुरू में इसको लाया है, शुरू किया है, बट राइटर का कहना है कि इन द राइट डायरेक्शन, ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। नीचे पढ़ते हैं, एवर सिंस द सेंट्रल एंड द स्टेट्स, जब से, एवर सिंस, जब से द सेंट्रल एंड द स्टेट्स पास्ड द लैंडमार्क लेजिस्लेशन, जब से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन पास किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल या कानून पास किया। कब पास किया? इन 2016, 2016 में। किससे जुड़ा हुआ? अडॉप्टिंग अ सिंगल कंट्री वाइड
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। तो बिल या कानून किससे संबंधित है? एक सिंगल कंट्री वाइड, पूरे देश में केवल, कंट्री वाइड पूरे देश में और सिंगल केवल एक जीएसटी, मतलब पूरे देश में पूरे देश के लिए केवल एक जीएसटी सिस्टम लागू किया गया। जब से ये हुआ है तभी से द फेडरल काउंसिल, फेडरल काउंसिल मींस संघीय समिति, अगर आपको पता हो तो दूसरे शब्दों में हम जिसे कहते हैं जीएसटी समिति, जो जीएसटी के फैसले लेने का अधिकार जिसे है, तो द फेडरल काउंसिल दैट इज टास्क्ड, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, किस बात की? विद ओवरसीइंग ऑल द रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, कि जितने भी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी नियामक पहलू हैं अप्रत्यक्ष कर से जुड़े, आप सभी को ओवरसी करेंगे, सभी पर नजर रखेंगे और एक सही दिशा उन्हें देखें। फिर से पढ़ते हैं, राइटर ने कहा कि फेडरल काउंसिल को यह टास्क दिया गया है कि आप ओवरसी करेंगे, नजर रखेंगे सभी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स पर इनडायरेक्ट टैक्सेस से जुड़े हुए। तो जब से ये काम उसे दिया गया है, जीएसटी काउंसिल को या फेडरल काउंसिल को, हैज हैड इट्स हैंड्स फुल, तब से उसके हाथ बहुत भरे हुए हैं, मतलब वो बहुत व्यस्त चल रही है। हैव हैंड्स फुल, पीछे हमने देखा था कि इसका मतलब होता है बहुत व्यस्त होना। फ्रॉम रिकमेंडिंग द रेट्स, अब आगे राइटर बता रहा है कि वो कमिटी बिजी क्यों है, क्या क्या आखिर वो कर रही है, तो उसके काम कौन कौन से हैं। फ्रॉम रिकमेंडिंग द रेट्स, वो रेट्स रिकमेंड करती है कि किस वस्तु पर कितने प्रतिशत का जीएसटी टैक्स लगाया जाए, तो टैक्स रेट्स को रिकमेंड करने के साथ साथ कौन से टैक्स दैट कुड अप्लाई टू वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, की बहुत सारे जो हमारे वेरियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं इन पर हम कितना टैक्स लगाएं, ये तो करती ही है, और क्या क्या करती है, यहां से शुरू करके कहां तक, टू डिसाइडिंग, ये डिसाइड करने तक का अधिकार उसे है, किस बात को डिसाइड करने का, ऑन व्हाट कुड बी टैक्स एग्जेम्प्टेड, कि किन वस्तुओं को हम टैक्स एग्जेम्प्ट करेंगे, किसको टैक्स से छूट देंगे या किसे टैक्स से बाहर रखेंगे। ये सारे अधिकार किसे दिए गए हैं, जीएसटी काउंसिल को। द जीएसटी काउंसिल हैज हैड द ओनरस टास्क, जीएसटी काउंसिल के पास आज ये क्या है, एक ओनरस टास्क है, बड़ी मुश्किल भरा, चुनौती भरा कार्य है। किस बात का कार्य है चुनौती भरा, ऑफ लेइंग आउट द पॉलिसी फ्रेमवर्क, कि वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए, नीतियां तय करे, उसकी एक रूपरेखा तैयार करे। किस बात के लिए रूपरेखा तैयार करें नीतियों की, फॉर एडमिनिस्टरिंग द टैक्स, कि कैसे आप टैक्स का प्रशासन देखेंगे, टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, ये सारी चीजें इन अ मैनर, और वो भी इस तरीके से होनी चाहिए जो कि बेनिफिट्स ऑल स्टेक होल्डर्स, जिससे सभी स्टेक होल्डर्स को फायदा पहुंचे। स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी उसमें शामिल हैं, जैसे कस्टमर है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट है, उनके ऑफिशियल्स हैं, ये सभी के सभी। आगे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि स्टेक होल्डर्स में कौन कौन है, द गवर्नमेंट्स, द कंज्यूमर्स ग्राहक, द सप्लायर्स सप्लाई करने वाले, अलोंग द वैल्यू चेन। तो वैल्यू चेन का मतलब होता है उससे जुड़े हुए, उससे संबंधित जो और लोग हैं, उससे जुड़े हुए और लोग। जैसे कि मैं कहूं कि अगर आप एक कार बना रहे, तो कार बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको टायर चाहिए होगा, फिर टायर के लिए आपको रबर चाहिए, आपको और इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट्स या आइटम्स चाहिए, तो ये जो उससे जुड़ी हुई बाकी चीजें हैं ये वैल्यू चेन है। आगे चलते हैं, गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लेगेसी टैक्सेस, गिवन का मतलब होता है, पीछे नहीं लिखा, आप कॉपी में लिख लेंगे, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए या किसी चीज पर ध्यान देते हुए या उसे देखते हुए। तो गिवन मीन्स कॉन्सिडरिंग, CONSIDERING, और कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता, कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स होता है सिंपल का उल्टा, मतलब ये आसान नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लेक्स है। तो गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लेगेसी टैक्सेस,
लेगेसी टैक्सेस का मतलब जो टैक्स हमें लेगेसी में मिले हैं, मतलब देश की आजादी से या उसके भी पहले से आज तक में जो हमारा टैक्स का सिस्टम रहा है उसकी जटिलता को ध्यान में रखते हुए, दैट कौन से टैक्सेज, वे सभी टैक्सेस दैट जीएसटी सब्ज्यूम्ड, जिनको जीएसटी ने अपने में शामिल कर लिया एंड रिप्लेस्ड, और उनकी जगह पे जीएसटी आ गई, और द टीदिंग ट्रबल्स, जो आज एक चैलेंजिंग है, एक बड़ी मुसीबत है, किस बात की, ऑफ ऑपरेटिंग अ न्यू टैक्स सिस्टम। तो राइटर कह रहा है, एक तो हमारा लेगेसी बड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसकी जगह पे हम जीएसटी ले आए, सभी टैक्सेस को सब्ज्यूम करके जीएसटी से रिप्लेस किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो ये जो नया टैक्स सिस्टम है इसको लागू करने में, चलाने में जो एक लगातार समस्याएं आ रही हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए इंश्योरिंग ऑप्टिमल आउटकम्स, कि आप एक ऑप्टिमल आउटकम दे पाएंगे, आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, आउटकम रिजल्ट, इस बात की श्योरिटी क्या हैज प्रूव्ड एन अबाइडिंग चैलेंज, ये जीएसटी काउंसिल के लिए आज तक एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में सामने आई है, एक अबाइडिंग चैलेंज के रूप में सामने आई हुई है। इसके आगे का आप पढ़ लेंगे पूरा एडिटोरियल, आप अगर द हिंदू डेली ले रहे हैं तो न्यूज़पेपर में है, नहीं ले रहे तो आप द हिंदू की वेबसाइट से गूगल पे पढ़ सकते हैं, और कोई लाइन ऐसी है या कोई वर्ड पावर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन कमेंट अस इन द वीडियो एंड वी विल रिप्लाई यू। थैंक यू।